नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी मकर राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विशेष जानकारी को लेकर के, और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष से लेकर के 13 महीने तक एक राशि में संचरण करते हैं, उसके उपरांत ही राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। जिस जन्म पत्रिका में गोचर वश जिस भी भाव में जाएंगे, उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ देकर के जाएंगे। लेकिन यदि कहीं ना कहीं बृहस्पति कमजोर है जन्म पत्रिका में, बृहस्पति निर्बल है, किसी क्रूर ग्रह के साथ है, कोई दोष से युक्त है, वही बृहस्पति कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और ऐसी स्थिति में संपूर्ण राशियों पर इनका प्रभाव होगा। आज हम बात करेंगे मकर राशि की। बात हम मकर राशि के जातकों की करते हैं, मकर राशि के जातकों के लिए क्या बदलने वाला है। तो अभी तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मीन राशि में पराक्रम के भाव में थे, अब देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव को छोड़कर के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, मेष राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। 23 अक्टूबर तक राहु इनके साथ स्थित रहेगा, गुरु चांडाल दोष का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि जन्म पत्रिका में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति वीक है, कमजोर है, तो कहीं ना कहीं कुछ कुप्रभाव भी इनके जरूर देखने को मिलेंगे। 23 अक्टूबर 2023 के पश्चात कुछ लाभ भी आपको होते हुए नजर आएंगे। सुख का भाव है, सुख के कारकत्व तो देवगुरु बृहस्पति नहीं है, यहां पर स्थित होंगे तो अनावश्यक खर्च ही बढ़ते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी लेने का विचार कर रहे हैं, भूमि भवन से किसी भी प्रकार के सुख सुविधाओं का विचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन खर्च आपके बढ़ेंगे, मानसिक तनाव भी रहेगा, माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र भी प्रभावित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सीधा कार्य क्षेत्र को देखेंगे जहां पर केतु स्थित है। शत्रुवत दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की दशम भाव पर रहेगी। ऐसी स्थिति में वो जातक जो शिक्षा से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति यहां से पंचम दृष्टि से आठवें भाव को देखेंगे। मकर राशि के जातक हैं, वैसे भी 7.5 से आप प्रभावित हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मकर राशि के जातक हैं आप, तामसिक भोजन करते हैं, मद्य पदार्थ इत्यादि का सेवन करते हैं, नशे का कोई भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं, पेट से संबंधित विकार, हृदय से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर इत्यादि में वृद्धि हो सकती है। ऐसे जातकों को अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा तो कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष करने के पश्चात कुछ सफलताएं भी आपको मिलने वाली। यदि आप कुछ समय अपना धर्म कर्म के क्षेत्र में व्यतीत करते हैं तो निश्चित ही कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मानसिक तनाव अत्यधिक हो, चिड़चिड़ापन हो, थकावट हो, तो ऐसी स्थिति में अध्यात्म की ओर अग्रसर होना आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। जहां पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति वे भाव को देखेंगे, 12वें भाव के तो खर्च बढ़ने वाले हैं, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहां पर एक स्थिति यह है कि मकर राशि के जातक हैं, विदेश से संबंधित लाभ होता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। आप मकर राशि के जातक हैं, विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए या वहां सेटलमेंट के लिए या जॉब्स के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कोई रुकावटें बीच में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो सपना आपका पूरा अवश्य हो सकता है। विदेश से संबंधित लाभ आपको देखने को मिलने वाले, यात्राओं पर आप जा सकते हैं, यात्राएं अत्यधिक आप करने वाले। मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक लाभ आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हर वीरवार को देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना विशेष लाभप्रद रहेगा। जितना हो सके उतना सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें, सात्विकता अपने व्यवहार में लाएं, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आप सबके लिए शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा, और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नहीं जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, ग्रहों की शांति करवाना चाहते हैं,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबरों पर निसंकोच आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।